हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हो, और आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप सबकी इच्छा पूर्ण हो और वो हर इच्छा आपकी पूर्ण होती जाए, ये मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है। सो माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर, आप सबकी इच्छा पूर्ण हो और आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और खुश हो। आप सब कि हर इच्छा पूर्ण मेरे दिल से दुआ है डियर, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू डियर। आज की जो आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी है वो है मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आज की जो एनर्जी है थोड़ी मिक्स है डियर, और आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं और आप वेट भी कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप उन्हें याद भी कर रहे हो, लेकिन आपसे कॉन्टेक्ट नहीं भी हुआ है। कुछ लोगों की रीयूनियन हुई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है। कुछ के पार्टनर सोच रहे हैं और कुछ के पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। सो माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, माय सोल फैमिली, पहले तो खुद को प्यार कीजिए और किसी का वेट अभी मत कीजिए। आप टाइम को वेस्ट कर रही हैं तो टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। समय को आपको पकड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आपका ग्रोथ की जर्नी है, आपकी सक्सेस की जर्नी, आपके अवेयरनेस की जर्नी है, आपकी खुशियां, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस, लाइफ की जर्नी है। आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपकी फैमिली और आप स्वस्थ और खुश रहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने ऊपर काम कीजिए, दिल दिमाग से कोई भी निगेटिव एनर्जियां निकाल दीजिए। और आप ये वीडियो अगर सुन रहे हैं डियर तो पॉजिटिव होकर सुनिए, इसलिए कि आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी होगी उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आपका यूनिवर्स से कनेक्ट होगा, एंजल से कनेक्ट होगा, आप दूसरों को बात को समझ सकेंगे, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। सो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आपका सोल पर्पस पूरा हो और आप सबकी रीयूनियन हो और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। सो डियर, मैं चाहती हूँ कि ये जो 3D दुनिया है, इस दुनिया में आपको अपनी फैमिली, आपका खुद का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी होती है। हम लोग साधु संत मुनि नहीं हो सकते हैं कि हम जाकर सीधे हिमालय पर्वत पर ध्यान लगाएं। डियर, ये दुनिया हमारी फैमिली की भी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना है, फैमिली को भी देखना है। माता पिता हो, मेरे बच्चे हो, कोई भी हो, हम सबको देखते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाए, अपने खुद पावरफुल बने और इस दुनिया में वो करके दिखाइए कि जिस पर्पस के लिए आप लोग आए हैं। डियर, आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर लोग की, जितने पार्टनर हैं, आप, माय सोल फैमिली बोल रही हूँ, सब सोल फैमिली के लिए बोल रही हूँ कि मिक्स आ रही है डियर। कुछ के पार्टनर फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, खुद कुछ पार्टनर आपके अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से उनको ध्यान दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और कुछ लोग की रीयूनियन हुई है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो ये मिक्स मुझे दिख रहा है डियर। जो मैरिड, माय डियर, माय सोल फैमिली, आप लोग मैरिड हो और आपके पार्टनर भी मैरिड हैं और वो उनके साथ रह रहे हैं, तो अभी उन पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। भले ही जिसके साथ उनकी मैरिड हुई है तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर रहे हैं, और आपके जो भी रिलेशनशिप उनके साथ है उनको बर्डन महसूस कर रहे हैं। लग नहीं रहा है कि वो आपके साथ इनका रिश्ता चल पाएगा। वो गुस्सा है, जिद्दी है, स्टबन है, और कहीं ना कहीं अपने फैमिली को अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ देने के लिए सोच रहे हैं। वो जहां भी हैं अपने वर्क पर, फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं ताकि मेरी फैमिली को अच्छी लाइफ मिले। लेकिन डियर, आप उनके दिल दिमाग में हो, फिर भी मैं तुमको चाहूंगा, ऐसा नहीं है। ये जर्नी में आप उनके दिल दिमाग में नहीं होंगे, आप सोच रहे तो वो भी सोच रहे हैं। कुछ माय व्यूवर्स की रीयूनियन हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी आज ऐसा इंतजार करें कि फिर आज कॉल मैसेज आए, तो डियर मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। हो सकता है कर भी कंफ्यूज है आपके पार्टनर, क्या मैं आज कॉल मैसेज करूं या नहीं करूं, ठीक है डियर। और कुछ माय व्यूवर्स की जो ऐसी एनर्जी है डियर कि वो मैरिड हैं, बच्चे हैं, और उनके हस्बैंड जहां हैं तो उनकी सोच वो कार्मिक के साथ भी है, थर्ड पार्टी के साथ भी, और आपके साथ भी है। आपके लिए भी अच्छा सोच रहे हैं और उसके लिए भी अच्छा सोच रहे हैं। ये मिक्स है,
बस डियर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना कमजोर करें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी देखना। अपने करियर पर फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कीजिए। हमेशा सोचिए कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे दुनिया को भी दिखाना है, अपने फैमिली को भी अच्छा जीवन देना है, खुद से भी प्यार करना है। मैं इस दुनिया में जिस काम के लिए आई, जिस सोल पर्पस के लिए आई हूँ, मुझे वो काम करना है। आप अपने पार्टनर को चेस ना करें। जितना आप वीडियो आप देखते हो ठीक है देखो, लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। कम से कम डियर आपकी पार्टनर की एनर्जी तो पता चलती है। इससे होता है कि आपको जैसे भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको उधर चेस नहीं करना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप उनके दिल दिमाग में हो, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मतलब वो जहां है जैसे है वो गुस्सा में है, जिद्दी में है, अपने वाइफ के साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है या अपने मदर फादर सिस्टर किसी के साथ भी है, वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं। वो कहीं भी है, उनकी एक जगह आपके लिए, उनके दिल में एक जगह है, दिमाग में हो, लेकिन अभी अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर फोकस कर रहे हैं। डियर मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की फैमिली है, तो अपने घर पर, अपने बच्चे पर, अपने फैमिली पर फोकस करें और खुद पर प्यार करें और कुछ करने का जज्बा बनाए कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ है। तो आप सही समय पे सही डिसीजन ले डियर, ठीक है। और आपके पार्टनर अभी खुद पर काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो खुद पर काम कर रहे हैं तो आपको भी खुद पर काम करना है। आप चेस मत कीजिए, ठीक है। सोना है, भरपूर नींद लेनी है, सोने से मेडिटेशन कीजिए, बहुत ऐसी सोने वाली और बहुत अच्छी अच्छी म्यूजिक आती है वो सुनिए और अपने आप को इंगेज रखिए, ठीक है। अपने सोल पर्पस के बारे में पता लगाइए, मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान लगाइए और अपने आप पर फोकस कीजिए और अपना इंट्यूशन को बढ़ाइए, क्योंकि इंट्यूशन से कम इतना तो आपको पता चलेगा डियर धीरे धीरे कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, मेरे पार्टनर की क्या करेंट एनर्जी है, मेरी आगे पीछे मेरे लिए कौन अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, आपको उस पर फोकस करना है। तो डियर मेरे जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है अभी कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, गुस्सा है, जिद है, स्टबन टाइप का है, इगोइस्टिक है आपके पार्टनर, और कुछ के लिए आपसे कुछ के पार्टनर आपको चाहते हैं। ये मिक्स है, जो मैरिड है अपने हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, अभी फोकस अपने वाइफ अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं एक बार उनको चाहत होती है मिक्स एडियर कि आप उनसे बात करें, ये हमेशा चाहेंगे आप उनसे बात करें, क्योंकि ये अब आपकी रिलेशनशिप जो है, जो मैरिड कपल हैं और जो आपके पार्टनर मैरिड हैं वो आपके रिलेशन को समझ रहे हैं कि ये एक बर्डन है, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है, ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे काफी दिन से कांटेक्ट भी नहीं हुई है और वो समझ रहे हैं कि ये रिश्ता चल नहीं सकता है, ये मुझे बर्डन है, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है डियर। सो अभी फोकस अपनी फैमिली अपने बच्चे पर है, अच्छे फाइनेंस की ओर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं आपके पार्टनर अपने फैमिली को। अभी फाइनेंस पर फोकस बहुत ज्यादा है डियर, आपसे दूर अभी जाना सर कुछ बातों को लेकर अभी काफी याद कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आज कॉन्टेक्ट आपने नहीं किया, बात नहीं की, उसके वजह से और भी गुस्सा बढ़ गया है, लेकिन उनको चाहत है कि आप एक बार कॉल मैसेज करो, आप उनसे बात करो, ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर की डियर। मैं तो बोलूंगी डियर उधर चेस ना कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है और स्पिरिचुअल जर्नी आपकी ग्रोथ की जर्नी है, खुद को हील कीजिए और उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, अपना सोल पर्पस ढूंढिए और आगे बढ़िए। डिवाइन जो डिवाइनिंग टाइम होता है उस पर आपकी रीयूनियन होगी। बाबू ये जो हम लोग करंट एनर्जी निकालते हैं तो आज हम लोग के आसपास स्पिरिट गाइड होते हैं, हमारे एंजल होते हैं और ये एनर्जी हम पिक करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा एंजल्स आपके आगे पीछे होते हैं, हर वक्त मदद करने के लिए तैयार होते हैं। आपको वो चीज पकड़ना है, वो साइन को आपको पकड़ना है, ठीक है। आपके गार्डियन एंजल हैं, जब भी आप गार्डियन एंजल को बुलाते हैं तो आप उनसे मदद मांगिए। हमारे लेफ्ट एंड राइट मेरे दोनों साइड हमारे गार्डियन एंजल होते हैं, जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ होते हैं, उनसे हेल्प मांगिए, वो आपके साथ है, स्पिरिट गाइड है,
आपके साथ है, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपके साथ पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। जब आप इस जर्नी में आप आ गए हो तो समझ लो कि ये सोल पर्पस आपका पूरा होगा। टाइम लगेगा लेकिन आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, खुद कुछ करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, जीत कर दिखाना है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्तियां हम सब के साथ है, हमारी सोल फैमिली के साथ है। सो आपके पार्टनर जहां भी है, जैसे भी है, खुद पर, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के अच्छे लाइफ देने के लिए सोच रहे हैं। जो पार्टनर आपसे बात अभी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मिला जुला असर दिख रहा है कि सारे पार्टनर यही चाह रहे हैं कि आप कॉल मैसेज करो। स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नजर भी रखे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। डियर कोई बात नहीं, जैसे अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके पार्टनर अगर डिवाइन टाइम पर आपके पास आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले सोल पर्पस पूरा करें, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, अपना मेडिटेशन को करते रहिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए डियर। सो गॉड ब्लेस यू डियर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।